गाइस वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज का वीडियो काफ़ी मजे का होने वाला है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं देवरिया में और मेरे भैया हैं मामू के लड़कों को ले आने के लिए। तो अभी हम लोग पेट्रोल डलवा लिए हैं, पीछे बैग में पेट्रोल टंकी है, यहीं से पेट्रोल डलवाए हैं, फिर हम चलते हैं देवरिया के लिए। और वो आके वहाँ बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, हम लोग का वेट कर रहे हैं। तो हम लोग चल रहे हैं, काफ़ी लेट हो गए यार, काफ़ी लेट आए हैं हम लोग पहले से। उनका ट्रेन था 9:30 समथिंग, 9:30 था। तो अभी आ गए हैं, वेट कर रहे हैं वहाँ पे, हम लोग को बोल रहे हैं आराम से आओ, ठीक है। तो हम लोग चल रहे हैं अभी, हम लोग कंचनपुर में हैं अभी। तो यहाँ से जाने में कम से कम स्पीड में लगेगा 20, आधा घंटा लगेगा, आधा घंटा तो ज़्यादा ही लगेगा, हाँ वही समथिंग उतना ही रहेगा। तो भाई चलते हैं, फिर ब्लॉग में आगे दिखाएंगे आपको। काफ़ी मज़ेदार का वीडियो हुआ है आज का, जो काफ़ी मज़े लिए हम लोग बहुत। नहीं तो वीडियो बन रहिएगा, फिर मिलते हैं एंड में, ठीक है, वीडियो के एंड में। तब तक के लिए जय हिंद। काफ़ी प्यारा लोकेशन है यहाँ पे कंचनपुर का, है पेट्रोल टंकी, ये जो मैं बोल रहा था। दो बाइक ले जा रहे हैं हम लोग, एक है एक है, इसको दे देंगे वहीं पे भैया को और हम लोग उससे जाएंगे ब्लॉगिंग करने के। ये देखो काफ़ी लोकेशन अच्छा, विकास यार मजे कर रहे हो खूब तुम। तो फिर गाइस हम लोग निकलते हैं यहाँ से, ठीक है, समय काफ़ी ज़्यादा हो गया यार। चलो फिर मिलते हैं। हम तीर्थ नहीं जाएंगे भाई, हमको डर लगता है। जाइए जाइए नीचे जाइए, और भाई हमको कुछ मत कहो, हम नहीं जानते कहे ना भाई, बना देने मेरे को। आवाज में जीना अभी ए, कौन सा जगह है। तो गाइस देख सकते हैं काफी अच्छा लोकेशन यार, काफी मजा आ रहा है। एक कितना तगड़ा लोकेशन है भाई, वीडियो बन रहा है भाई,
ब्लॉग में देखना भाई, काफी अच्छा लोकेशन है। हम लोग आ चुके हैं, देखो काफी अच्छा लोकेशन पे यार। ए रुद्रपुर है का वो? ए रुद्रपुर है, पता नहीं यार रुद्रपुर। क्या बिछाए हैं नीचे इसको? नजर रहे देखना पार मत कर, ये बहुत दूर। चल नीचे साथ नहीं होंगे। ए भाई कसम से यार डर लग रहा है भाई, चलो आराम से। तो गाइस कमेंट करना यार, देखो हम एकदम कठिन परिसर में जा रहे हैं, हमको डर लग रहा है। तो बताना आप लोग कैसा वीडियो था। हाँ गाड़ी है वहाँ पे, चलो। हाँ लाख को सब कर दिया, हम लोग रुद्रपुर में आए हैं। तो गाइस रुद्रपुर का नज़ारा कुछ ऐसा है यार, देखो। ए विकास ए हट, ए विकास कैसे गए हो भाई? हाँ? कैसे गए हो? अरे देखना पैर मत कर के। ए यार बहुत डर लग रहा है भाई। देखो गाइस हम पीछे दिखाते हैं बैक कैमरा से कैसा लग रहा है नज़ारा। देखो तो गाइस देखो कहाँ चल रहे हैं हम। हम दोनों फोटो शूट कर रहे हैं अभी, विकास और कुणाल फोटो के दीवाने हैं सब, एकदम आराम आराम से चल रहे हैं। वहाँ बाइक है यार, मतलब जब से हम लोग इधर आ रहे हैं तब से पता ही नहीं था हम लोग को कि ऐसा लोकेशन यहाँ पे है, मतलब ऐसा जगह है यहाँ पे। आज देखो काफी शानदार जगह पे आए हम लोग। आ चुके हैं यार, एकदम नीचे आ गए हैं। नीचे का लोकेशन कुछ ऐसा है, दोनों शूट कर रहे हैं, रील्स बन रहा है क्या भाई? हाँ इंस्टाग्राम पे जाएगा देखना, चेक करना होगा इस चीज का। विकास ओम विकास के नाम से है उसका, चेक करना वीडियो जो आज का शूट करेगा। हम तो आ गए नीचे एकदम। भागो यार, देखो तो गाइस कमेंट करना कैसा भाई था। मतलब हम लोग कहीं और जा रहे थे दूसरे लोकेशन पे, तो रास्ते में दिख गया तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। काफ़ी खतरनाक लग रहा है, डर तो बहुत लग रहा है। जब जैसे पानी जब आता है ना इसमें, तो पानी जान दो कहाँ तक जाता है, वहाँ तक चला जाता है ऊपर तक वहाँ पे। तो अभी तो देखो पानी नहीं है, थोड़ा भी नहीं है। देखो वहाँ बंदे लड़के नहा रहे हैं, छोटे छोटे लड़के नहा रहे हैं, तो पानी ज़्यादा नहीं है, कम है अभी। वो रही ब्रिज, काफ़ी दूर हम लोग आए। यही लोकेशन कैसा है बताना आप लोग, कमेंट करना कैसा वीडियो लगा, मतलब कैसा लोकेशन था ये वाला बैक वाला मेरे, जैसे हम उतर के आए ऊपर से। ए घाघरा नदी है कि क्या, कौन सा है? जैसे हम लोग जा रहे थे घाघरा नदी पे, तो मतलब ये नहीं है तो बहुत छोटा है, वो पीछे है, बहुत आगे है, मतलब आगे है वो। तो वहाँ पर चल रहे हैं, बाइक मुझको दे दिए, दोनों रील्स बना रहे हैं। बनाओ रील्स, बनाओ ना, बनाओ ना भाई। हम गाइस बताना यार, हमको बता दे आपको ब्लॉग में, क्योंकि हम देवरिया गए थे, देवरिया भैया को लाने के लिए, तो वहीं से हम लोग आ गए हैं यहाँ पे रुद्रपुर में, क्योंकि हम लोग को कहीं और जा रहे थे हम, जैसे कि वहाँ पे भागलपुर जैसे ही था। हाँ भागलपुर, हम लोग भागलपुर जा रहे थे, तो रास्ते में ये लोकेशन मिला है। जैसे कि हम लोग को, मतलब पहले मैं आया तो आया हूँ यहाँ पे, तो ये पता नहीं था कि लोकेशन यहाँ पे इतना तगड़ा है, हमको नहीं मालूम था। तो आज हम लोग जैसे हमको पता चला है, वहाँ से देखे हम लोग ब्रिज से, तब ये दिखा है, तब हम लोग आए हैं यहाँ पे।
दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों रील्स बना रहे हैं। यार धूप है, ए धूप है लेकिन ठंड लग रहा है भाई। गाइस कोई कमेंट नहीं कर रहा यार, कमेंट करना कैसा वीडियो था, ठीक है कमेंट नहीं करते हो तो थोड़ा नीचे आ जाता है, ठीक है तो बताना कमेंट करना कैसा था वीडियो। आप लाइक सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना कि ऐसी वीडियो नहीं आता हो गया था। कैसा लोकेशन है बताओ विकास? लोकेशन बहुत अच्छा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत बड़ा नदी है। कौन सा नदी है बता सकते? घाघरा है क्या, कुछ कोई और है? नहीं बार पहली बार हम आए यहाँ पर क्या बताएं हम ही पहली बार आए हैं यार, हम लोग जाते थे उधर से लेकिन आज दिखे हैं। तो आज बताना कैसा लोकेशन है, ठीक है कमेंट करना। तो हम चलते हैं वहाँ पे, कहाँ पे जिस लोकेशन में जा रहे थे घाघरा नदी पे, वहाँ चलते हैं, वो इससे भी मतलब बड़ा है, काफ़ी अच्छा है। तो चलो फिर हम चलते हैं। फाइनली गाइस हम लोग यहाँ से निकलते हैं, बहुत इंजॉय किए हैं बहुत, और मज़ा आ गया यार। चलते हैं घाघरा नदी जो है वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे मिलते हैं आपसे, ठीक है चलो भाई चढ़ो, दौड़ के चढ़ेंगे, गिर मत जाएंगे आराम से पानी आता है ना, हाँ। पानी आता है ना तो बहुत यहाँ पे पूरा ऊपर तक भर जाता है, तब पता है नहीं कोई, तो उसी में आकर उसी में आकर तैरने सीखेंगे पानी के लिए, ठीक है स्विमिंग करने के लिए सीखेंगे। तो गाइस कमेंट करना कैसा वीडियो था, आप कैसा लोकेशन लगा वो बताना कमेंट करके। चले काफी बड़ा है गाइस, फाइनली गाइस देखो काफी बड़ा है यार, कितना बड़ा है नदी ना। हाँ लोकेशन काफी तगड़ा है, कम से कम 70 किलोमीटर चल कर आ रहे हैं। काफी अच्छा लोकेशन है और बीच में एक पुल भी है। तो फाइनली गाइस आ चुके हैं हम लोग यहाँ पे, जो लिखा है यहाँ पे दरबार से लिखा है हिंदू मुस्लिम एकता का दरबार। तो कौन सा जगह है भाई? घाघरा। हाँ घाघरा नदी है, नदी तो घाघरा है, जगह कौन सा है यार? देखो यहाँ पे घाघरा नदी है, काफी बड़ा नदी है यार। यहाँ पे ये मतलब दर्शाए कि हिंदू मुस्लिम एकता का दरबार। लाइफ में पहली बार घाघरा नदी पे आया हूँ मैं। देखो विकास बताओ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हवा बहुत कितना अच्छा चल रही है, बहुत मजा आ रहा है यार। घाघरा नदी हम सोचे नहीं थे यहाँ पे आएंगे। क्या भाई यहाँ पे गोरखपुर में पड़ता है ना? बस गोरखपुर नहीं, कोई और है, कौन सा है पता नहीं चल रहा है। यहाँ बस लिखा है वहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता का दरबार लिखा है।
ठीक है, देखो कैसा लोकेशन है, कितना कितना अच्छा लोकेशन है, कितना अच्छा नज़ारा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बेलाव का बिहार से काफ़ी अच्छा है, बेलाव का बिहार था ना उससे बहुत अच्छा है। फिर हमको दिखा रहे हैं आपको, काफी शानदार लोकेशन है यार। चलने मेले में दिखाते हैं आपको। हम लोग अभी आए हैं बरहज में, जो घाघरा नदी है उसको आपको दिखाने के लिए। काफी बड़ा है, काफी शानदार लोकेशन है। गोरखपुर के तरह नहीं मतलब गोरखपुर के तरह लोकेशन यहाँ पर दिख रहा है। गाइस हम लोग आ चुके हैं क्या, शिव जी के मंदिर है ना। हाँ, शिव जी के मंदिर के पास। काफ़ी बड़ा उनका जो क्या कहते हैं पुतला नहीं स्टैचू है, काफ़ी बड़ा स्टैचू है, बहुत बड़ा है। चलो हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का एकता का दरबार है, काफ़ी हाँ ब्रजगंज में, जो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी शानदार है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का एकता, क्या मैं देख रहा हूँ भाई, देख नहीं रहे हैं, वीडियो ध्यान नहीं है मेरा, फोकस करना है। फाइनली हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पे देखो यहीं पे शिव जी का। हाँ दिखाते हैं यार, बोले शिव जी का मंदिर दिखाना। यहाँ पे वो रहा शिव जी का स्टैचू, जो काफी बड़ा है, दुनिया का सबसे बिगेस्ट शिव जी का जो स्टैचू है, काफी बड़ा है। देखो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। बताना, कमेंट करना कैसा लगा। हम अंदर चल रहे हैं, अंदर एंट्री लेंगे तो दिखाएंगे आपको। काफ़ी बड़ा है शिव जी का जो स्टैचू है, और पहली बार हम लोग आए हैं बरहज में, तो बरहज का आनंद लेते हैं हम लोग। तो फाइनली गाइस अंदर जाने के लिए शिव जी के मंदिर में आपको लगेगा 10 रुपये जूता जमा करना पड़ेगा, जो वहाँ से मिलेगा उसका अंदर से 10 रुपये लगेगा, वहाँ पर जूता जमा होगा आपका, जो भी चप्पल वगैरह वो जमा करके आपको अंदर जाना पड़ेगा, ऐसे नो अलाउड। हम लोग इतना टाइम नहीं है, हम लोग पास बहुत दूर से हम लोग आए हैं, काफ़ी दूर से आए हैं, देवरिया से आए हम लोग आए, तो अभी हम लोग चल निकलना पड़ेगा यहाँ से। काफ़ी शाम होगा, कितना बजे का, 1 बज रहा होगा। हाँ फंक्शन 1 बज रहा होगा, 1:16 सीधे करो, सीधे का मंदिर का जो काफ़ी गज खतरनाक लग रहा है जो मंदिर है। तो हम लोग तकरीबन आते हुए कितना, 1 से 1.5 घंटा लगा है ऊपर, ज़्यादा ही लगा है। हाँ रास्ता 1.5 घंटे, हम वहाँ 2 घंटे 1.5 घंटे लगा है आने में, जाने में लगेगा, तो हमें टाइम नहीं बचेगा। हम लोग यहाँ से निकलते हैं, फिर यहाँ पे शमशान घाट भी है क्या भाई। चलो फिर हम आपसे बैग से दिखा देते हैं, शिव जी का मंदिर जो है काफ़ी बड़ा है। यार अरबाज भाई क्यों बैठे हैं पास में, यार सुनाई नहीं देगा। क्या हो गया अरबाज भाई, क्यों बैठ गए यार? काफी घूम कम लोग आए हैं, बहुत ज्यादा घूमे हम लोग, जैसे हम दूसरा लोकेशन देखा थे, हम लोग दूसरा रास्ता, वो रास्ता हम लोग नहीं आए हैं, दूसरा रास्ता है, जैसे घूम कर आए हैं पूरा, तो इसलिए थकान हो गया यार। अब ज़्यादा भी 2 घंटा लगेगा, कितना किलोमीटर है
50 किलो से ऊपर ही पड़ेगा। 100 नहीं 70 पड़ेगा। 70 किलोमीटर दूर आए हम लोग, बराज में आए हैं। यहाँ पे घाघरा जो नदी है आपको दिखाने के लिए, थकान तो होगा ही, पता ना कैसे जाएंगे। बाइक कौन चलाएगा यहाँ से? आप चलाएंगे? मेरे बस का नहीं है भैया, हम नहीं चला पाएंगे। सुना तुम चलाना। अब बताओ यार, कम से कम देवरिया से हम लोग 70 किलोमीटर इधर आए हैं, कौन जाएगा लेकर? पूरा जिम्मेदारी इसके ऊपर है, तुम्हारे ऊपर है। तुम दोनों जा रहे हैं, हम पीछे बैठेंगे आराम से। चलो फिर चले भाई, चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करना कैसे वीडियो का, जाने में 2 घंटे लगेंगे हम लोगों। तो चलते हैं देवरिया, मिलते हैं आपसे देवरिया में, मिलते हैं। वहाँ का जो लोकेशन है काफ़ी अच्छा, जो वहाँ भी है दिखाएंगे आपको वहाँ पर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।